जनपद ने बुधवार को जिला अस्पताल सहित 24 केंद्रों पर 6,169 लोगों को कोविड का वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 4,458 और सेकेंड डोज लेने वालों में 1,711 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि बुधवार को 24 केंद्रों पर 6,169 लोगों को कोविड का वैक्सीनेशन किया गया है। उन्होंने कहा कि 2 महिला स्पेशल बूथ और 2 अभिभावक स्पेशल बूथ चल रहे हैं तथा जिला अस्पताल, महिला जिला अस्पताल, संक्रमण विभाग सहित अन्य केंद्रों पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। उन्होंने कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर लोगों से अपील करते हुए कहा कि बहुत आवश्यकता पर ही घर से बाहर निकलें तथा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। उन्होंने कहा कि कोरोना की लड़ाई में वैक्सीनेशन एक अहम हथियार है। जो लोग अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाए हैं, वह वैक्सीन जरूर लगवाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, आज हमारे ज़िले में 24 जगहों पर टीकाकरण चल रहा है, कोविड का टीकाकरण चल रहा है। क्योंकि आज बुधवार और शनिवार हमारा रूटीन इम्यूनाइजेशन का भी समय होता है, तो वो भी थोड़ा सा निगलेक्ट हो रहा था कोरोना के पीरियड में। तो हम लोग ज़्यादातर ध्यान आज के 2 दिनों में हम रूटीन इम्यूनाइजेशन का ध्यान रखते हैं, और आज सिर्फ हम 24 जगहों पर टीकाकरण कर रहे हैं। उसमें से 2 महिला स्पेशल बूथ चल रहा है, 2 अभिभावक स्पेशल चल रहा है। साथ साथ हमारे जिला अस्पताल, महिला अस्पताल, बीआरडी मेडिकल कॉलेज और हमारी सीएससी पीएससी पर वैक्सीनेशन चल रहा है।